नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। खबरों की शुरुआत बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर आयोजित कवित्री सम्मेलन से। बहुत याद आता है मुझे तरौनी गांव, याद आती हैं लीचियां, याद आते हैं आम। यह लिखने वाले मैथिली और हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार बाबा नागार्जुन की धरती पर जब उन्हीं की कविताओं से कवित्रियों ने कविता पाठ की शुरुआत की तो मानो क्या धरती क्या अंबर सब कुछ थमने सा लगा, झूमने लगा, गुंजायमान उठा, मानो स्वयं ठक्कन धरती पर एक बार फिर जीवंत हो उठे। अवसर था उनके पुण्यतिथि पर बाबा के पैतृक गांव तरौनी में आयोजित कवित्री सम्मेलन का। कवित्री सम्मेलन का यह आयोजन उनकी धर्मपत्नी अपराजिता के नाम पर किया गया। बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए कवित्रियों समेत समाज के सभी वर्गों के लोगों ने। पर याद किए गए बाबा नागार्जुन उनके पैतृक गांव तरौनी में अवस्थित नागार्जुन पुस्तकालय प्रांगण में अपराजिता कवित्री सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। बाबा नागार्जुन की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर दरभंगा जिले के तरौनी स्थित बाबा नागार्जुन पुस्तकालय प्रांगण में आयोजित अपराजिता कवित्री सम्मेलन की शुरुआत उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ ही पुष्पांजलि देकर की गई। संयोजिका वंदना शांति द्वारा उपस्थित अतिथि एवं कवित्रियों को बाबा गमछा से सम्मानित किया गया। दो सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के पहले सत्र में यात्री जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विशेष चर्चा हुई। मुख्य वक्तव्य सुनीता झा का रहा। अध्यक्षता डॉक्टर उषा चौधरी ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रानी झा ने किया। दूसरे सत्र के आयोजन में स्वर्णिम किरण झा, चंदना दत्त, डॉक्टर प्रतिभा स्मृति, ऋतु प्रज्ञा, मुन्नी मधु, राजश्री ठाकुर और अंजलि कुमारी ने अपनी कविताएं पढ़ी। इस कवित्री सम्मेलन में अजीत आजाद, फणिंद्र मिश्र पुस्तकालय अध्यक्ष, सुबोध चंद्र झा सचिव, सुभाष झा, चंचल यादव, अमरजीत यादव का योगदान भी पूर्ण रूपेण रहा। बाबा नागार्जुन की पत्नी अपराजिता देवी के नाम पर ही अपराजिता कवित्री सम्मेलन का यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नागार्जुन के प्रतिमा पर माल्यार्पण से की गई। साथ ही सभी कवित्रियों ने यात्री की प्रतिमा के सामने एक एक दीप जलाकर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत शांति फाउंडेशन की अध्यक्षा और इस समारोह की संयोजिका वंदना शांति ने की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह सत्र अपराजिता बाबा नागार्जुन यानी यात्री जी की सहचारिणी अपराजिता देवी को समर्पित है। बाबा जिनका नाम ही यात्री पड़ा, जो हमेशा यात्रा पर रहते थे, उनके पीछे अपराजिता जी ने कितना संघर्ष किया है। पर आज हम सभी बाबा को तो याद रखते हैं लेकिन अपराजिता को भूल रहे हैं। एक औरत अपना सर्वस्व न्योछावर करती है तब जाकर कोई नागार्जुन बनता है। और आज हम सभी महिला रूपी अपराजिताएं उनके त्याग को इस सत्र के माध्यम से नमन करते हैं। समारोह की मुख्य वक्ता सुनीता झा ने यात्री के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा, बाबा हम सभी के बाबा थे। आज जहां लोग थोड़े लोभ के लिए सत्ता का गुणगान करते हैं, वहीं बाबा ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी ललकार दिया था। इस सत्र की अध्यक्षा उषा झा और संचालिका रानी झा ने भी बाबा को याद करते हुए कहा कि वे चाहते थे कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और आगे आए। आज बाबा की आत्मा जहां कहीं भी होगी खुशी से झूम रही होगी। इस सत्र का समापन करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार अजीत आजाद ने कहा कि कवि सम्मेलन तो बहुत होते देखा है पर कवित्री सम्मेलन शायद ही सुनने को मिला है। इस कवित्री सम्मेलन में फणिंद्र मिश्र पुस्तकालय अध्यक्ष, सुबोध चंद्र झा सचिव, सुभाष झा, चंचल यादव, अमरजीत यादव का योगदान पूर्ण रूपेण रहा। धन्यवाद ज्ञापन संतोष मिश्रा ने किया। साथ ही इस तरह का बौद्धिक कार्यक्रम मिथिला के बौद्धिक गांव में शुरुआत करने का आह्वान किया जिससे कि मिथिला की बौद्धिक उपस्थिति आम आदमी के भी बीच हो। और जो भी मेरे समतुल्य हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। पूरे ग्रामवासी की तरफ से जो भी यहाँ पे आए हैं हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं। ग्रामीण भाषा के प्रयोग के लिए उनका कार्यकाल आपको बना पड़ना, लेकिन वह लोकप्रिय बने यात्री जी के बारे में जितने बहुत देते सब बहुत कम है। क्या इतने महान सलाह है जो अपन बारे में भी हमको जगह जगह बना कर देती है। उनका बारे में हम 100 में उषा किरण खान से प्रेम लता जी से प्रेम बहुत उनका मैंने बारे में बात गप सब बन चुका। उषा किरण खान का कहे थे हम जे किछ छी एखन बहुत बहुत कई विभिन्न मैथिली के लिए
मैंने पूरा इंतजाम चलते थे वो पैसा ऐसे आनंद का कोई गप्पे नहीं है। बाबा की कहते बहुत बाबा की कहते बहुत से सबके जंगलो छे मिलो छे दूसरा जो उनका तो अथाह समुद्र छे उनका तो किलो कभी तो ताकि तुम्हें निकालिए तो सके ये जबकि देख हुए जबकि जबकि बचे क्या तेरे को तो अपना का मन मन कर लिया लोग क्या नहीं बैठ कर संतोष कर लेते हैं बाबा की पर बलो जबकि पर बलवार की नगरा समर्थ एक ही एक था नहीं हो गए जो नहीं है पुलकित होत मोन झटदा सट जल करेज में आ पैर नहीं छल धरती पर हर्थ सा बजलैत साउस माय बजलैत साउस माय सियासन भी आएली दुई कुल करती जोड़ सोहर बधैया शुरू भेल आ उतेक झोड़ेक बीच आ उतेक झोड़ेक बीच उदास छल एकटा मोन ओ मोन जे दूसरे मास जचब चाहै छल कोई ओ मोन जे दूसरे मास जचब चाहै छल कोई बुझ चाहै छल बेटा आ बेटी मुदा मुदा सासुक स्नेहक आगू तम छल हुनक ताना आ कोड एली लक्ष्मी सुनाई छल तो एतेक विशाल छल है एतेक अक्षर स्वभाव छलै एतेक जिंदा दिली सब गप करै छलै जे सब उते संभव नहीं छे कहे ओ कहि सकती नै जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हक लाऊं हरदम सत्ता के आंख में आंख दक शब्दवान स घायल करौला सामाजिक सरोकार स के प्राथमिकता देवला जन कवि के अंदाज बहुत निराला चल रहा है क्यों यह माइक लाल है जो सत्ता पक्ष के सामने में ठाड़ होकर कहना बाजत जना वो बाजे चल रहा है नेहरू जी के जन्मदिन पर वो कह सकती ना वतन बेच कर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं बेशर्म की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं अंग्रेजी अमेरिकी जोकों की जमात में शामिल है फिर भी बापू की समाधि पर झुक कर फूल चढ़ाते हैं हमरा सबक लेल साहित्यिक समुद्र में मंथन के पर अमृत गणनार बाबा यात्री के पुण्यतिथि पर उनका सादर सत्सत नमन और अपराजिता जी के सहस्त्र नमन ये अपना बिहार के कोसी के कछार के ना हम ता बेटी छिए अपना बिहार के कोसी के कछार के ना हम ता खेलबै कीत गायब कोसी कमला के गीत हम ता खेलब कीत गायब कोसी कमला के बीत हम ता बेटी छिए अपना बिहार के कोसी के कछार के ना माँ गई माँ गई माँ याद बहुत लाग आ गई है माँ गई माँ गई माँ डर बहुत ला गई है माँ गई माँ गई माँ डर बहुत ला गई है माँ गई माँ गई माँ याद तुहर आ गई है माँ गई रूप सौंदर्यक मोल हम स्त्री छी हमरा बुझल अछि रूप सौंदर्यक मोल काली के पूजक सबसँ भेल छी प्रतारित काली के पूजक सबसँ करैत की उपनाम पाए हम स्त्री छी हम देखने छी कन्यादान सँ पूर्व पिता कपै हम देखने छी
बम्बई आ फिर ओही पिता के आ फिर ओही पिता के पुत्र के लेल कन्या दान लेवा काल फिर ओही पिता के पुत्र के लेल कन्या दान लेवा काल नपैत जो थैत मोल भाव करैत मिथिला के नारी बड़ होशियार होई छै मिथिला के नारी बड़ होशियार होई छै मिथिला के नारी बड़ होशियार रहै छै करै लेल सब काज तैयार चाहे हो घर गृहस्थी चाहे हो बाहरी काज संवारै छै सबटा भार संवारै छै सबटा भार परिवारी उन्नति में करै छै सहयोग राखै छै सदकै रिश्ता में जोग पढ़ित चढ़ित जीवनक शिखर देश समाजक करैत ओ फिकर चटकन मटकन दहिया चटकन अटकन मटकन दहिया चटकन लगी गोमिया कविता करिया झुमर खेलाइत कविता माइट में उंगराइत कविता अटकन मटकन दहिया चटकन नदी गोमियाइत कविता कविता छै नारिक कविता ओकरे दुनियादारिक कविता समय संग ससुरैत कविता सपना संग उड़ैत कविता समय संग ससुरैत कविता सपना संग उड़ैत कविता भाई बाप के आंकुश पर भाई बाप के आंकुश पर धन्य छति मिथिला के धिया सिया स्वरूपा नागार्जुन प्रिया धन्य छति मिथिला के धिया सिया स्वरूपा नागार्जुन प्रिया सहनशीलता के साक्षात प्रतिरूप छी अहाँ सहनशीलता के साक्षात प्रतिरूप छी अहाँ आवक नारी सबथिन कहाँ आवक नारी सबथिन कहाँ सहनशीलता के साक्षात प्रतिरूप छिया यात्री के यात्रा सफल करे वाली यात्री के यात्रा सफल करे वाली अही छी माँ बाबा के संग निर्वाह करे वाली यात्री के यात्रा सफल करे वाली अही छी माँ बाबा के संग निर्वाह करे वाली